हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लासों में हम लोग मशीन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मशीन की परिभाषा, लॉ ऑफ मशीन, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट, लोड आदि टॉपिक को डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला है भार उठाने वाली प्रमुख मशीनें। भार उठाने वाली मशीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भार उठाने वाली मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिस पर हम कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठा सकें। इसमें हमारा पहला है लीवर उत्तोलक, दूसरा है हमारे पास पुलीज। अब पुलीज में कई टाइप की होती हैं। नंबर एक है सिंगल पुली, दूसरा है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, तीसरा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, चौथा है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली और पांचवा हमारा वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। इसके आगे है सिंपल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, वर्म एंड वर्म व्हील, स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में हमारा दो टाइप का है, एक है सिंपल स्क्रू जैक और दूसरा है डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ये सब हमारे सिलेबस में है। वैसे तो भार उठाने वाली मशीनें कई सारी प्रकार की होती हैं, लेकिन सिलेबस को देखते हुए हमारे सिलेबस में इतनी सारी मशीनों को दिया गया है, जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लीवर को देखते हैं, जो कि हमारा पहला है भार उठाने वाली मशीनों में लीवर। लीवर को हम लोग इसके पहले भी लीवर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लीवर अर्थात उत्तोलक क्या होता है? एक सीधी राड होती है, सीधी रहे या वक्राकार, एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ होती है, जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए एक लीवर है, ये एक सपोर्ट के सहारे स्थिर रहती है, यानी कि इसी बिंदु के सहारे ये घूम सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट या आलंब बोलते हैं, इसी को टेक भी बोला जाता है। इसके एक सिरे पर हम प्रयास पी लगा करके दूसरे सिरे पर भार डब्लू उठा लेते हैं। लीवर भी हम लोग कई टाइप का पढ़े थे, जिसमें से प्रथम श्रेणी लीवर, द्वितीय श्रेणी लीवर, तृतीय श्रेणी लीवर, इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? लीवर पर प्रयास लगाकर हम किसी भार को या तो उठा सकते हैं या ढकेल सकते हैं या उसको लुढ़काया भी जा सकता है। ठीक, अगला हेडिंग है यांत्रिक आलाभ, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। यांत्रिक लाभ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? W अपान P, यानी कि भार अपान प्रयास। सेम वैसे ये भी होता है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ आता है? यदि जो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग निकालते हैं MA, यदि इसका मान एक से कम हो जाए, लेस देन वन, यानी मैकेनिकल एडवांटेज का मान यदि एक से कम हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डिसएडवांटेज, यानी यांत्रिक आलाभ। जैसा कि हम लोग तृतीय श्रेणी लीवर में देखते हैं, तृतीय श्रेणी लीवर कैसा होता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग चिमटा पढ़े हुए हैं। चिमटा क्या होता है? इसमें ये एक हमारा लीवर होता है, लीवर के एक सिरे पर यहाँ पर सपोर्ट होता है और बीच में हम क्या लगाते हैं, भार, सॉरी प्रयास, पी लगाते हैं और एक सिरे पर लगता है हमारा भार W। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सपोर्ट से प्रयास के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रयास भुजा, और सपोर्ट से भार के बीच की दूरी क्या कहलाती है, भार भुजा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा दो फार्मूला है, एक क्या होता है W अपान P, यानी कि भार बटे प्रयास, दूसरा प्रयास भुजा बटे में भार भुजा, प्रयास भुजा बटे में भार भुजा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो प्रयास भुजा सदैव भार भुजा से कम ही रहेगा, यानी कि इस केस में, यानी तृतीय वर्ग के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज सदैव एक से कम ही आ जाएगा, यानी कि इसमें हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि इसका यांत्रिक लाभ एक से कम है, यानी कि यदि मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डिसएडवांटेज अर्थात यांत्रिक आलाभ।
घिरनी, पुली, क्या होती है घिरनी? घिरनी एक लकड़ी या धातु का बना हुआ खांचेदार पहिया होता है। खांचेदार पहिया ये इस टाइप का कुछ है। एक सिंपल व्हील होता है, साधारण सा ही पहिया होता है। ये लकड़ी की भी बनी हो सकती है, किसी धातु का भी बना हो सकता है, जिसमें बीच में खांचे बने रहते हैं। खांचे किस लिए बने रहते हैं? जिससे इस पे जो डोरी इसकी परिध पर लपेटी जाए वो इस घिरनी से अर्थात इस पुली से बाहर उतरने ना पाए, इसलिए इसमें खांचे बनाए जाते हैं। अब ये पुली एक बीच में यहाँ पर धुरा लगेगा, धुरा दोनों सिरे से एक ब्लॉक से अटैच होता है, ये इस टाइप का, और ये कहीं पर दृढ़ आधार से फिक्स रहता है अर्थात लटका दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डब्लू भार को लटकाएंगे और इधर से हम इस डोरी को खींचेंगे प्रयास पी लगा करके, तो ये भार धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। इस टाइप का होता है कुछ घिरनी। ये जो ब्लॉक होता है जिसके सहारे जहाँ पर ये धुरा, ये बीच में धुरा, दोनों धुरे के जो दोनों सिरे होते हैं इस ब्लॉक में फिक्स रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पुली ब्लॉक। इसको क्या बोला जाता है, पुली ब्लॉक। और इसको क्या बोलते हैं, पुली। और ये बीच में जो लगा होता है एक सीधी छड़, उसको हम क्या बोलते हैं, धुरा, एक्सल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, घिरनी को पूर्ण रूप से चिकनी तथा घर्षण ऋण मानकर संबंधित प्रश्नों को हल किया, यानी कि हम लोग जितने भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे घिरनी के, उसमें सदैव घिरनी को घर्षणहीन माना जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ परीक्षण जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग डेरिवेशन हो या कोई न्यूमेरिकल हो उसको हल करते समय सदैव घिरनी को हम घर्षणहीन मानेंगे, अर्थात घिरनी को हमेशा एकदम चिकनी माना जाएगा। और रस्सी के दोनों ओर भागों में तनाव समान रहता, यदि रस्सी बदल नहीं रही है, यदि रस्सी सेम है अर्थात वही रस्सी लिपट करके इधर आ रही है या और कोई घिरनी लगा दिए फिर यहाँ पर ये रस्सी जा रही है, तो इस रस्सी में जो तनाव रहेगा हर जगह सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग घर्षण को नगण्य माने हुए हैं। और क्या, जो रस्सी का भार है उसको लगभग नगण्य मानते हैं, यानी भारहीन माना जाता है। रस्सी के भार को भी हम लोग नगण्य मान करके चलेंगे। यहाँ पर ये पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखें क्या लिखा हुआ, घिरनी हम लोग पढ़ रहे थे। घिरनी में पहला है हमारे पास हेडिंग एकल घिरनी, सिंगल घिरनी या सिंगल पुली। ये क्या होता है, यदि किसी भार को उठाने के लिए हम केवल एक पुली का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल घिरनी बोलेंगे, सिंगल पुली। अब इसमें जब सिंगल पुली लगाते हैं तो इसमें हमको कोई यांत्रिक लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जितना हम प्रयास भी लगाते उतना ही भार यहाँ से उठाया जा सकता, उससे अधिक नहीं, यानी प्रयास के बराबर ही भार उठा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। यानी कि इस केस में इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एक के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि W अपान P करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका सदैव एक से अधिक, सदैव एक के बराबर ही आता है। तो फिर हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, डायरेक्ट उस भार को उठा लें बिना पुली के ही। इसका फायदा यहाँ पर मिलता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रयास जिस दिशा में इस भार को उठाना है उस दिशा में हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे हम इस भार को सीधा नहीं उठा सकते, लेकिन यदि हम पुली लगा दिए तो अब इस भार को उठाने के डायरेक्शन को हम अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको सीधा इधर खींचें या थोड़ा इधर करके भी खींच सकते हैं। जैसे कुएं से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालते समय भी घिरनी एक क्यों लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो प्रयास पी होता है उसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं और पानी को आराम से खींचा जा सकता है। अब ये पुली हमारी दो टाइप की हो सकती है, या तो पहला क्या है, इस पुली को यदि हम इस पुली ब्लॉक के सहारे एक दृढ़ आधार से फिक्स कर दें तब इस पुली को क्या बोलेंगे हम, फिक्स पुली यानी अचल पुली। और यदि ये पुली ब्लॉक फिक्स नहीं है
तब उस घिरनी को क्या बोलेंगे हम, चल घिरनी यानी कि मूवेबल पुली। जैसे यहाँ पर देखें कि एक ये पुली है और एक दूसरा पुली मान लीजिए यहाँ पर है। यहाँ पर हम कोई भार W लटका दे रहे हैं इसके केंद्र से, जिसको हमें उठाना है, ये ऊपर फिक्स कर दिए। अब यहाँ से हम प्रयास P लगा करके खींच रहे हैं, ये फिक्स है, ये पुली ब्लॉक यहाँ से दृढ़ आधार से फिक्स है। तो ये घिरनी क्या कहलाएगी हमारी, अचल घिरनी कहलाएगी, फिक्स है। ये घिरनी ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, जबकि ये घिरनी क्या है, ये हमारी मूवेबल है। जैसे जैसे इसको हम खींचते जाएंगे डोरी को, ये हमारा घिरनी धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और ये हमारा भार भी ऊपर उठता जाएगा, यानी ये घिरनी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चल घिरनी या मूवेबल घिरनी बोलेंगे। यानी कि यदि घिरनी एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित हो रहा, ऊपर या नीचे विस्थापित हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चल घिरनी। और यदि वह अपने केंद्र पर फिक्स है, वो कोई मोशन यानी ऊपर या नीचे गति नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचल घिरनी यानी कि फिक्स पुली। अब पहला है एकल अचल घिरनी का यांत्रिक लाभ, यानी सिंगल पुली है जो कि अचल है अर्थात वो फिक्स है, उसका हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पुली है, जिसको ये हमारा पुली है जिसको हम एक दृढ़ आधार से यहाँ पर फिक्स कर दिए। अब ये फिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स घिरनी या अचल घिरनी। इस पर हमको W भार उठाना है, क्या करेंगे, यहाँ से रस्सी बांध करके घिरनी से होते हुए नीचे ला करके लटका देंगे, जिधर हम प्रयास P लगा करके खींचेंगे। ठीक, मान लीजिए ये पुली का जो भार है इस ब्लॉक सहित, इसको हम स्मॉल W बोल रहे हैं। यही जो पट्टी दिख रही है, इसी पर इधर भी होता है, उसके पीछे तरफ भी होता है। तो यहाँ पर बीच में एक आपको पॉइंट दिख रहा हो, यहीं से ये धुरा इस पुली ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिसके सहारे ये पुली हमारी घूमती है, और जिसमें ये जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, ये चौकोर सा दिख रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, पुली ब्लॉक। और जिसके सहारे पुली जुड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सल या धुरा। W भार को उठाना, प्रयास P लगा रहे हैं। अब संतुलन की स्थिति में यदि रस्सी टूट नहीं रही, यानी कि जितना ऊपर टेंशन लग रहा होगा रस्सी में, उतना ही नीचे प्रयास लग रहा हो, यानी P बराबर T हम लिख सकते हैं, P बराबर T। और सेम केस यहाँ पर भी देखें, जितना T ऊपर लग रहा होगा उतना ही W नीचे लग रहा होगा, तो यहाँ पर यानी T बराबर W भी लिख सकते हैं, जहाँ T क्या है, रस्सी में तनाव है। ठीक, अब हमको यहाँ से हम देख लिए हैं कि T बराबर W है और T बराबर P भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T बराबर W बराबर P। अब हमको इस बिंदु O पर रिएक्शन निकालना हो R का मान, तो ये ऊपर लग रहा होगा और इसके जस्ट अपोजिट जितना बल लग रहा हो सबको हम ऐड कर लें, तो उसी के बराबर होता है रिएक्शन, लेकिन दिशा उल्टी हो जाएगी। तो नीचे कितना लग रहा है, एक कैपिटल W जो भार हम उठा रहे हैं, एक स्मॉल W पुली का भार, और नीचे एक क्या है, प्रयास P। ये ठीक, अब ये तीनों बल नीचे की तरफ हैं, तो इन तीनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण इसको हम ऐड कर लेंगे और इतने ही मान के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में हमारी प्रतिक्रिया बिंदु O पर कार्य करेगी, यानी R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W प्लस P प्लस स्मॉल W। और एक चीज़ और भी हम देख चुके हैं कि T बराबर W और W बराबर P, यानी W के स्थान पे P या P के स्थान पे W लिख सकते हैं। तो P के स्थान पे यहाँ पर हम W लिख दें, चूंकि P बराबर W बराबर P है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, W प्लस W प्लस स्मॉल W, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2
कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू, आर कॉमन। तो यहाँ से रिएक्शन आर हमारा क्या आ जाएगा, टू कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू टू डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, पुली का भार। अब यदि स्मॉल डब्ल्यू का मान नगण्य अर्थात जीरो मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या रख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू के स्थान पर जीरो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, टू डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, बिंदु O पर प्रतिक्रिया। अब हमें अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, यम ए इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपान पी, जबकि अभी ऊपर देख चुके हैं कि W और P आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि जो P हम प्रयास लगा रहे थे वो कुछ एंगल यानी कि इस W के समांतर न लगा करके थोड़ा कुछ एंगल बना ले रहे हैं, मान लीजिए वो एंगल कितना है, अल्फा है। अब इसको ऊपर बढ़ा दें तो यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आगे जा करके ये W और ये P कट करेंगे, यानी कि W से P का एंगल कितना है, अल्फा है, क्योंकि ये W ऊर्ध्वाधर नीचे और ये रेखा ऊर्ध्वाधर नीचे, इसी के समांतर खींच दें तो ये कोण जो अल्फा इसके साथ बनाएगा वही कोण इसके साथ भी, यानी कि W और P के बीच का जो कोण है वो कितना है, अल्फा है। अब इस दशा में यदि हमको प्रतिक्रिया निकालना हो तो प्रतिक्रिया का मतलब इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा उसी के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, उतने ही मान के बराबर। मान लीजिए जो पुली ब्लॉक का भार है वो कितना है, स्मॉल डब्लू, तो अभी पहले केस में मान रहे हैं कि ये स्मॉल डब्लू का मान नगण्य है, तब क्या होगा कि यानी कि किसी पिंड पर दो बल लग रहे हैं, एक पी है और एक डब्लू है, जिनके बीच का कोण अल्फा है। अब इसका परिणामी हमको निकालना है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि यदि कोई बल पी है और दूसरा कोई बल Q है जिनके बीच का कोण थीटा है तो इनका परिणामी क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R इक्वल टू लिख देंगे अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, दूसरा बल क्या है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू पी डब्ल्यू कॉस अल्फा, चूंकि दोनों के बीच का कोण अल्फा है। अभी ऊपर देख चुके हैं हम कि P बराबर होता है W, यानी कि हम जहाँ P है वहीं पर W लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P के स्थान पर W स्क्वायर प्लस टू P के स्थान पर W इंटू डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब यहाँ से R का मान इतना निकल गया। अब ध्यान से देखें तो ये W स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, टू W स्क्वायर, और ये भी गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू W स्क्वायर। आगे देखें R बराबर हो जाएगा अंडर रूट में टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब W स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे W बचेगा, यहाँ टू यहाँ भी टू कॉमन ले लें, बचेगा क्या, वन प्लस कॉस अल्फा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ पर भी अगर जो कॉस अल्फा है तो क्या हो जाएगा, वन प्लस तो रहेगा ही, यहाँ वन है प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और आगे तो दो था ही, दोनों गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार, चार को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या होगा, टू टू डब्लू, अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट के बाहर कॉस अल्फा बाई टू, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा टू कॉस अल्फा टू डब्लू कॉस अल्फा बाई। अब यदि जो पुली का भार है स्मॉल डब्लू उसको हम नगण्य ना माने तो क्या करेंगे, जहाँ पर डब्लू वहीं पर हम स्मॉल डब्लू को भी जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि स्मॉल डब्लू भी नीचे ही काम कर रहेगा पुली का भार, और कैपिटल डब्लू भी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यानी कि जहाँ डब्लू वहीं क्या लिख देंगे हम, डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू, डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू, बाकी सब कुछ वही रहेगा।
क्योंकि अचल घिरनी में प्रयास पी का क्रिया बिंदु जितना नीचे आएगा उतना ही W भी ऊपर उठेगा। जितना हम इस प्रयास पी को नीचे खींचेंगे उतना ही ये जो भार है ऊपर उठेगा, यानी कि जो पी दूरी चल रहा है जितना उतना ही ये W भी ऊपर जाएगा, यानी पी द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा W द्वारा चली गई दूरी। अर्थात अब इसके लिए हमको वेगानुपात निकालना हो तो क्या होता है वेगानुपात का फार्मूला? पी यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे में क्या होता है W यानी भार द्वारा चली गई दूरी, यानी वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का मान 1 हो जाएगा। यांत्रिक लाभ क्या होता है? यदि इफिशियंसी हमको पता हो तो इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपान में क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालना हो तो तिरछा गुणा करा देंगे, यानी कि वेलोसिटी रेशियो इंटू नीटा यानी इफिशियंसी। अब यदि आइडियल मशीन है तो उसके लिए नीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। वेलोसिटी रेशियो तो हम लोग 1 निकाल ही चुके हैं, रख दिए मान। अब यदि कोई आदर्श मशीन है तो उसके लिए नीटा का मान कितना होता है? 1 या मान लें 100%। तो यहाँ नीटा के स्थान पर क्या रख देंगे हम? 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 ही आया था, वेलोसिटी रेशियो भी 1, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर 1। दूसरा है यदि एकल चल गिरनी का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। देखें यहाँ पर एक ये पुली लगी हुई है, ये एक हमारे जो ऊपर एक दृढ़ आधार से फिक्स है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया अचल पुली, और एक दूसरी पुली यहाँ पर है जिसको हम क्या बोलेंगे चल पुली। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे भार ऊपर उठेगा ये पुली भी ऊपर खिसकती जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे चल घिरनी। अब यहाँ पर भी अगर संतुलन का हम प्रतिबंध लगाएं तो जितना W नीचे कार्य कर रहा है उतना ही बल ऊपर, यानी कि नीचे का बल बराबर ऊपर का बल, तो ऊपर बल यहाँ पर T, यहाँ पर T, क्योंकि रस्सी वही है सेम रस्सी लपेट करके इधर जा रही है, यानी सब जगह जो तनाव है वो सेम होगा। तो यहाँ W बराबर हम क्या लिख सकते हैं T+T, यदि हम इस घिरनी के भार को नगण्य मान लें तो क्या हो जाएगा W बराबर 2T। और यहाँ से देखें तो P प्रयास नीचे की ओर और टेंशन यानी डोरी में तनाव ऊपर T, तो इसमें भी संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा P=T, यानी P बराबर T लिख सकते हैं, और यहाँ से हम 2T बराबर W लिख सकते हैं। और यदि घिरनी के भार को हम नगण्य ना माने यानी कि इसके भार को भी स्मॉल W मान लें तो नीचे की तरफ टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल W, और ऊपर की तरफ ET और ET कितना हो जाएगा 2T। और यहाँ से तनाव निकालना चाहेंगे तो T ये 2 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा T बराबर कैपिटल W प्लस में स्मॉल W अपान में 2, यहाँ से आ जाएगा T का मान, और यही T बराबर क्या है P के, यानी P बराबर भी वही होगा। और यदि हमको यहाँ पर रिएक्शन निकालना हो बिंदु C पर, तो बिंदु C पर रिएक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की ओर, तो जितना बल नीचे की ओर लग रहा हो वही ही ऊपर की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ एक ये तनाव T लग रहा है और एक यहाँ पर तनाव T लग रहा है, तो यानी कितना लग रहा है 2T। और यदि इसे पुली का भार भी स्मॉल W मान लें तो कितना हो जाएगा 2T+स्मॉल W, यानी RC का मान यानी रिएक्शन बिंदु C पर कितना हो जाएगा 2T+स्मॉल W। यहाँ पर रिएक्शन देखें तो R ऊपर लगेगा और इधर नीचे कितना लग रहा है T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R=2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम T लिख देंगे इसको। ठीक, अब यदि RC यहाँ पर स्मॉल W को नगण्य मान लें तो क्या हो जाएगा RC बराबर 2T हो जाएगा। अब घिरनी 2 को संतुलन, जैसा कि अभी बता चुके हैं 2 को संतुलन में माने तो क्या हो जाएगा ऊपर का बल जितना होगा वो बराबर हो जाएगा नीचे के बल के, तो ऊपर का बल यहाँ T यहाँ T यानी 2T
ठीक, और नीचे कितना बल लग रहा, कैपिटल W, यदि हम घिरनी के भार को नगण्य माने। तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, T प्लस T यानी 2T, और T इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं P होता है, यानी इसको हम 2P भी लिख सकते हैं। अब W का मान निकाल चुके हैं, कितना है 2P। मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालना होगा, क्या लिखेंगे, W अपान P यानी भार बटे प्रयास। W का मान कितना, यह है 2P और बटे में P, कैंसिल कर देंगे P से P, कितना बचेगा 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान आ जाएगा 2। अब बिंदु D पर हमको प्रतिक्रिया निकालना है, RD। तो अभी हम लोग देखे हैं कि RD यानी बिंदु D पर प्रतिक्रिया कितना होगा, T के बराबर, और T का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 2T बराबर अभी देखे हैं कैपिटल W है, तो यहाँ से T का मान क्या हो जाएगा, W/2, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे, W/2। और यदि पुली का भार जो स्मॉल W उसको नगण्य ना माने, तो जहाँ कैपिटल W वहीं पर क्या जोड़ देंगे हम, स्मॉल W बटे में 2, तब रिएक्शन का मान RD ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ देखें कि यदि मान लीजिए कि इस प्रयास P को हम 2x दूरी नीचे खींच करके बिंदु P1 पर ले आए, कितनी दूरी, 2x दूरी, यानी डोरी को हम 2x दूरी इस बिंदु से नीचे खींच लिए, तब यानी कि अब ये भार हमारा कुछ ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा, ध्यान दें, ये ऊपर उठेगा, मान लीजिए बिंदु B से कहाँ पहुँच जाएगा, B1 पर, क्योंकि ये चल पुली है, यानी कि जैसे जैसे इस रस्सी को हम नीचे खींचते जाएंगे, ये पुली हमारा ऊपर उठता जाएगा और उसके सहारे हमारा ये W भी उठता जाए। जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर ये रस्सी ढीली होगी, और ढीली होगी खींचेगी किधर, इस तरफ, केवल एक ही तरफ खींचने के लिए है, तो ढीली कितनी होगी, अगर जो ये 2x है तो ये ऊपर जाएगा कितना, x दूरी, क्यों, क्योंकि x दूरी जब ऊपर ये जाएगा तो ये यहाँ सेंटर से इस सेंटर के बीच x दूरी, इधर डोरी खाली हो जाएगी और x दूरी यही इधर भी खाली हो जाएगी, तो दोनों अब ये नीचे की डोरी x और x यानी 2x खाली होगी, अब यही 2x दूरी यहाँ डोरी नीचे आ जाती है, यानी कि W कितना दूरी ऊपर चलेगा, केवल x दूरी, क्यों, क्योंकि डोरी इधर भी है इधर भी है, दोनों मिला करके 2x दूरी हो रही है, यानी कि इधर x हो जाएगा और इधर x हो जाएगा, तो यानी भार हमारा कितना ऊपर जाएगा, x दूरी, जबकि प्रयास हम कितना नीचे खींचेंगे, 2x दूरी, तो यहाँ से अगर जो वेलोसिटी रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितना है, 2x बटे भार द्वारा चली गई दूरी कितना है, x, x से x कैंसिल, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आएगा और वेलोसिटी रेशियो भी यहाँ से 2 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि यदि प्रयास P वाला सिरा 2x दूरी नीचे चलकर P1 पर आता है, तो चल घिरनी B के दोनों ओर रस्से के भाग x दूरी ऊपर उठते हैं, इस स्थिति में घिरनी B ऊपर उठकर B1 पर आ जाएगा। इस प्रकार यानी कि क्या है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2x, और भार द्वारा चली गई दूरी x, दोनों का अपान, x से x कैंसिल, बचेगा क्या, 2, यानी कि वेलोसिटी रेशियो का मान कितना आ गया, 2। अगला हेडिंग है घिरनियों का निकाय, सिस्टम ऑफ पुली, यानी कि घिरनियों का निकाय, इसमें क्या है कि बोझ को उठाने के लिए कई सारी घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं, अब वो घिरनियाँ किस प्रकार से लगी हुई हैं इसको आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जब किसी बोझ को उठाना होता है तो उसके लिए कई घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं, और इसी प्रबंध को हम क्या बोलते हैं, घिरनियों का निकाय बोलते हैं, यानी यदि एक से अधिक घिरनियाँ प्रयोग में लाई गई तो उसी को हम क्या बोलेंगे, घिरनियों का निकाय। एकल घिरनी की अपेक्षा इसका यांत्रिक लाभ अधिक होता है, इसमें कुछ चल घिरनियाँ लगी होती हैं और कुछ अचल घिरनी, कुछ चल घिरनियाँ और कुछ अचल घिरनियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं घिरनियों के निकाय में। अब घिरनी के निकाय यहाँ पर 3 प्रकार के दिए गए हैं, एक है घिरनियों का प्रथम निकाय, दूसरा घिरनियों का द्वितीय निकाय, तीसरा है घिरनियों का
तृतीय निकाय। इसमें से सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घिरणियों का प्रथम निकाय। देखें, ये इस टाइप का होता है हमारा घिरनी का प्रथम निकाय। ध्यान से समझें, यहाँ पर एक ऊपर दृढ़ आधार है, ये ठीक। इसमें कुछ चल घिरनियाँ, कुछ अचल घिरनियाँ। प्रथम निकाय में केवल और केवल एक अचल घिरनी होती है, बाकी इसके अतिरिक्त सभी चल घिरनियाँ होती हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि टोटल कितनी घिरनियाँ हैं, चार, जिसमें से एक ये अचल घिरनी है, बाकी ये तीनों चल घिरनियाँ हैं। क्यों? क्योंकि यही घिरनी केवल ऊपर आधार से फिक्स है, बाकी ये तीनों फिक्स नहीं है, यानी ये तीनों ऊपर उठ सकती हैं। तो ये सारी घिरनियाँ क्या कहलाएंगी? चल घिरनियाँ। और इसको क्या बोलेंगे हम? अचल घिरनियाँ। इसमें किस प्रकार व्यवस्था होती है? इसमें रस्सी को इस टाइप से लपेटा जाता है कि उसका एक सिरा ऊपर दृढ़ आधार से बंध रहता है और दूसरा सिरा इस घिरनी से होते हुए ऊपर वाली घिरनी के सेंटर से बंधा होता है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरी रस्सी आती है जो उस घिरनी के ऊपर से होते हुए दूसरी ऊपर वाली घिरनी से केंद्र से बंधा होता है। ठीक इसी प्रकार एक तीसरी रस्सी आएगी जो कि इसी घिरनी से होते हुए अंतिम जो चल घिरनी होती है उस पर, सॉरी, अंतिम अचल घिरनी पर ऊपर से होते हुए नीचे लटका दिया जाता है, जहाँ पर प्रयास भी हम लगाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम कई सारी घिरनियाँ भी प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी चल घिरनियाँ हैं उतना ही रस्सी है। जैसे ये देखें, एक रस्सी यहाँ से यहाँ हो गई हमारी, दूसरी यहाँ से यहाँ हो गई और तीसरी यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक हो गया। यानी कि जितनी चल घिरनियाँ उतना ही रस्सियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी। जैसे यहाँ पर तीन चल घिरनियाँ हैं तो यहाँ पर तीन रस्सियाँ हैं, और यदि इसी प्रकार यन चल घिरनियाँ हो तो यहाँ पर एन रस्सियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी। अब इसमें सबसे निचले वाले घिरनी पर हम भार को लटका देते हैं जिसको हमें उठाना है, और जो अचल घिरनी होती वहीं से हम इस प्रयास पी को लगा करके भार डब्लू को उठाते हैं। ठीक, मान लीजिए जो पहली रस्सी है यानी घिरनी एक पर जो लपटी हुई है उसका तनाव T1 है, रस्सी दूसरा का तनाव मान लीजिए T2 है, रस्सी तीसरे का तनाव मान लीजिए T3 है। इसी प्रकार आगे भी होगा तो T4, T5, ऐसे ऐसे TN तक हम लोग मान लेंगे। ठीक, अब ये T3 है तो ये रस्सी सेम वही है जो कि यहाँ से होकर के आ रही, यानी कि यहाँ पर तनाव T3 ही होगा। तो संतुलन की स्थिति में देखें तो जितना T3 ऊपर लगाएगा उतना ही ये प्रयास P लगे, यानी कि P बराबर हम लिख सकते हैं T3, यानी कि जो प्रयास होता है वो अंतिम डोरी में जो तनाव होता है उसी के बराबर होगा। यानी यदि इसमें यन चल घिरनियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी इसमें यन रस्सियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? TN, यानी कि जो अंतिम रस्सी में तनाव है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि हम इस भार को यानी कि इस सेंटर को ऊपर खींच रहे हैं, कितना? एक्स दूरी। ठीक, इसको हम भार को यानी ऊपर उठाए एक्स दूरी मान लेते हैं, तो यानी कि ये हमारा सेंटर ऊपर उठ जाएगा, कितना? एक्स दूरी। जब ये ऊपर एक्स दूरी उठेगा तो इधर डोरी हमारी एक्स दूरी ढीली पड़ जाएगी और इधर भी एक्स दूरी ढीली पड़ जाएगी। अब ये डोरी इधर एक्स ढीली, इधर एक्स ढीली, यानी टोटल कितना ढीली हुआ? 2x। और ये डोरी खींच किधर सकती? केवल इधर ही, इधर तो खींच नहीं सकती क्योंकि इधर फिक्स है ऊपर जा करके, तो केवल ये रस्सी इधर खींचेगी यानी 2x दूरी इधर खींचेगी। यानी इसका क्या मतलब कि इसके ऊपर की जो ये पुली है वो कितना ऊपर उठेगी? 2x दूरी। ये कितना ऊपर उठेगा? 2x दूरी। और जब ये 2x दूरी ऊपर उठेगा तो सेम वही केस यहाँ पर भी होगा कि इधर ये 2x दूरी ढीली हो जाएगी और इधर भी ये रस्सी 2x दूरी ढीली हो जाएगी। तो यानी इसका क्या मतलब, ये रस्सी कितनी ढीली हुई? 4x।
तो अब ये 4x ढीली किधर खींचेगा, ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाली जो घिरनी है यानी तीसरे नंबर की घिरनी, वो भी कितना ऊपर उठेगा, 4x इधर और 4x इधर, यानी कि कितना हो गया, tx दूरी, सॉरी 8x दूरी, ये रस्सी ढीली हो जाएगी T3 वाला। अब यही 8x जब T3 ढीला पड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर खींचेगा और ये P हमारा कितना नीचे आ जाएगा, 8x दूरी। एक बार फिर से देखें, मान लीजिए कि ये भार हमारा ऊपर x दूरी उठ रहा है, ठीक, भार हमारा ऊपर की ओर x दूरी उठ रहा है, तो यानी इसका क्या मतलब कि ये घिरनी भी ऊपर उठेगी, तभी तो ये भार ऊपर उठेगा, तो यानी ये सेंटर इसका एक जो है वो भी एक x दूरी ऊपर उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसका क्या मतलब, इधर वाली जो बाएं तरफ रस्सी है इस सेंटर से, इधर भी x दूरी ये ढीली हो जाएगी और इधर भी x दूरी ढीली हो जाएगी। तो ये तनेगी कैसे कि x दूरी इधर ढीली, x दूरी इधर, यानी कि कितना ढीली हुआ, 2x। तो ये 2x मतलब इधर खींचेगा, और इधर खींचेगा कौन, घिरनी नंबर 2। तो यानी कि ये घिरनी नंबर 2 का जो केंद्र है वो भी कितना ऊपर उठ जाएगा, 2x दूरी। जब घिरनी दूसरे नंबर की घिरनी का केंद्र 2x दूरी ऊपर उठेगा, तो यानी इधर भी 2x दूरी खाली हो जाएगा, रस्सी ढीली पड़ेगी, और इधर भी 2x दूरी ढीली पड़ेगी, यानी टोटल कितनी ढीली पड़ी, 2 × 2x। और जितना ये ढीली पड़ेगी वो रस्सी खींचेगी किधर, ये घिरनी खींचेगी हमारी तीसरे नंबर की घिरनी, यानी इसका भी केंद्र ऊपर कितना ऊपर उठेगा, 2 × 2x यानी 4x। अब यानी कि 4x ये केंद्र ऊपर उठा, इसका क्या मतलब कि इधर भी ये जो T3 रस्सी है तीसरे नंबर की, उधर बाएं तरफ भी 4x ढीली पड़ेगी और इधर दाहिने तरफ भी 4x ढीली पड़ेगी। तो ये खींचेगा कौन, इस रस्सी को टाइट रखने के लिए इधर खींचेगा प्रयास P, कितना खींचेगा, जितना ये ढीली पड़ी है, तो बाएं तरफ 4x दाहिने तरफ 4x यानी कि 8x। तो ये रस्सी कौन खींचेगा, प्रयास P। अब इस 8x को हम 2³ × x भी लिख सकते हैं, ठीक, 2³ × x लिख सकते हैं, यानी कि जितनी चल घिरनियां हैं उतने का क्यूब, ठीक, × x। ठीक, आगे देखें, इसमें पहला कंडीशन हम मान रहे हैं कि जब जो भार है घिरनी का उसको स्मॉल डब्लू को हम नगण्य मान ले रहे हैं, यानी कि अभी पुली के भार को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक। अब इसमें प्रथम विधि को देखेंगे जो अभी मैंने बताया कि यदि भार को यानी पुली एक का केंद्र x दूरी ऊपर उठता है, तो क्या केस देखने को मिला कि जो प्रयास P का विस्थापन वो कितना हो रहा था, 2 × 2 × 2x यानी कि 8x, और भार ऊपर कितना उठ रहा था, x दूरी। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होता है वेलोसिटी रेशियो फार्मूला, प्रयास P का विस्थापन बटे में भार W का विस्थापन, यानी 8x/x। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, वेगा अनुपात अर्थात वेलोसिटी रेशियो 8x/x यानी कि 8। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2³, क्योंकि ऊपर जो निकाय था हम लोग सिस्टम देखे तो उसमें कितनी चल घिरनियाँ लगी हुई थी, 3 चल घिरनियाँ और एक अचल घिरनी, टोटल 4 घिरनियाँ थी। तो हमको ध्यान केवल किस पे देना है, जो चल घिरनियाँ हैं, तो उसमें कितनी चल घिरनियाँ थी, 3। तो इसको हम क्या लिख दिए, 2³। इसी प्रकार यानी जितनी चल घिरनियाँ होंगी, मान लीजिए किसी निकाय में n चल घिरनियाँ हैं, तो अब वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला 2³n, जैसे 3 चल घिरनियाँ हैं तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा था, 2³। इसी प्रकार यदि n चल घिरनियाँ होंगी तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 2³n, जहाँ n क्या है, चल घिरनियों की संख्या। ध्यान दें ये टोटल घिरनियों की संख्या नहीं है, ये केवल और केवल चल घिरनियों की संख्या है, अर्थात यदि किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि एक प्रथम निकाय में घिरनियों के प्रथम निकाय में कुल घिरनियों की संख्या n है,
चल घिरनियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन। चल घिरनियों की संख्या एन माइनस वन होगी, कुल घिरनियों संख्या से एक कम होती है। अब यदि आदर्श मशीन है तो इफिशेंसी को हम 100% मानते हैं, यानी नीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन, अर्थात 100%। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, नीटा इंटू ब्लास्टी रेशियो, नीटा का मान एक और ब्लास्टी रेशियो निकाल चुके हैं 2 के पावर n, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ब्लास्टी रेशियो बराबर हो जाएगा, उसका मान कितना होगा, 2 के पावर n। दूसरी विधि देखें, संतुलन का मेथड। संतुलन के मेथड से एक बार फिर से फार्मूले को दें, सॉरी ये फिगर को देखें, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखें अब यहाँ पर इस पुली नंबर एक के संतुलन की बात करें तो इस पर जितना ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा उतना नीचे की तरफ, यही तो संतुलन है, यानी ऊपर का बल बराबर नीचे के। तो ऊपर कितना बल है, T1 T1, यानी कि ऊपर कितना है, 2T1, और नीचे कितना है, W, यानी कि W बराबर क्या लिख सकते हैं, 2T1, या T1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W/2। इसी प्रकार यहाँ पर देखें पुली नंबर दो पर, ऊपर की तरफ बल कितना लग रहा है, ये T2, यहाँ पर T2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, T1, यानी कि हम T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2T2। ठीक, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1/2। ठीक, इसी प्रकार तीसरी घिरनी को ध्यान दें, तो इसमें क्या है, ऊपर T3, यहाँ पर T3, नीचे की तरफ T2, तो ऊपर कितना हुआ, 2T3, नीचे की तरफ T2, यानी 2T3 बराबर हो जाएगा T2। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बल कितना लग रहा है, T3 ऊपर और ये P नीचे, यानी P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T3। ठीक, ये हमारा दूसरा मेथड ब्लास्टी रेशियो निकालने का, जिसको हम लोग संतुलन की विधि से सॉल्व करते हैं। देखें पहले घिरनी पर, जैसा कि अभी हम लोग देखें, 2T1 बराबर कितना था, W, यानी T1 बराबर क्या हो जाएगा, W/2। दूसरी घिरनी को देखें तो 2T2 बराबर क्या था, T1, और T1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, W/2, तो यानी क्या हो जाएगा, T1 बराबर W/2। अब हमको चाहिए क्या, T2 का मान, तो 2 को 75 कर देंगे, क्या, तो T2 बराबर हो जाएगा W/2, यानी 2 के पावर 2। इसी प्रकार तीसरी घिरनी को देखें तो क्या था, तीसरी घिरनी में 2T3 = आ रहा था T2, और T2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, W/2। तो यहाँ से हमको T3 निकालना हो, तो इस 2 को 75 कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, T3 बराबर W/2। अब ऊपर क्या देखें, कितनी चल घिरनी आती है, 3, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 के पावर 3। इसी प्रकार यदि n चल घिरनिया हो तो Tn होगा, अंतिम रस्सी में तनाव को हम क्या मानेंगे, Tn। यदि n चल घिरनिया होंगी तो उसमें n रस्सियाँ, यानी कि तनाव क्या हो जाएगा उसमें, Tn। तो यहाँ से Tn का मान क्या निकल करके आएगा, W/2 n, ये हो गया Tn का मान। और यही जो अंतिम रस्सी में तनाव होता है वही क्या होता है, हमारा प्रयास के बराबर होता है, जैसा कि ऊपर देखे हैं कि P = कितना था, T3, जो अंतिम रस्सी में तनाव था। इसी प्रकार यदि n चल घिरनिया हो तो अंतिम रस्सी में तनाव क्या होगा, Tn, जो बराबर किसके होगा, प्रयास P के, यानी कि इसी को हम बराबर प्रयास कैपिटल P भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से प्रयास कैपिटल P ये निकल करके आ गया। ठीक, अब हमको यदि मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, W/P रख देंगे फार्मूला, भार बटे प्रयास, भार को ऐसे रहने, तो प्रयास कितना आया, W/2 n उल्टा गुणा हो जाए, तो ये W से W कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 के पावर n, यानी मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आ जाएगा 2 के पावर n। अब यदि आइडियल मशीन है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे इफिशेंसी को, 1, यानी नीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज बटे में नीटा। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं 2 के पावर n, और नीटा बराबर 1, तो यानी 2 के पावर n, ये क्या हो जाएगा, ब्लास्टी रेशियो। ब्लास्टी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज दोनों सेम है,
यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर ब्लास्टिक रेशियो बराबर 2 के पावर और एन, जहाँ एन क्या है, चल घिरनियों की संख्या। द्वितीय कंडीशन देखें, पहले कंडीशन में क्या हम लोग माने थे कि जो चल घिरनियों का भार है उसको हम नगण्य माने थे। अब इसमें क्या मान रहे हैं कि यदि चल घिरनियों का भार भी हो उसको हम नगण्य ना माने, यानी मान लीजिए जो चल घिरनियों का भार है वो डब्लू वन, यानी प्रथम चल घिरनी का जो भार है वो डब्लू वन है, दूसरे का डब्लू टू, तीसरे का डब्लू थ्री, ऐसे ऐसे यदि एन चल घिरनियाँ होंगी तो उनका भार कितना हो जाएगा, डब्लू एन। तो संतुलन में जैसा कि वहाँ पर क्या था, 2T1 बराबर केवल लिख रहे थे हम W, कैपिटल W, यानी घिरनी एक पर जो भार लटकाया गया था। अब घिरनी एक का भार भी हम W1 माने हुए हैं, स्मॉल W1, तो ये भी नीचे की तरफ लगेगा, यानी इसी कैपिटल W में हम इसको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2T1 बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल W1। तो यहाँ से T1 बराबर क्या निकल करके आएगा, पक्षांतर कर देंगे 2 को तो 2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी W/2 प्लस W1/2, ये हो जाएगा T1 का मान। T2 का मान T1 प्लस W2 स्मॉल W2। T1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, W/2 प्लस स्मॉल W/2। ठीक, अब ये 2 इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, T1 प्लस W2/2। अब यहाँ से हम T1 का मान रख दें, T1 का मान जब रखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलग अलग T1/2 प्लस में स्मॉल W/2, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T1/2 प्लस में स्मॉल W/2। तो T1 का मान हम निकाल चुके हैं, अब इसी के 2 लिखना है, यानी कि W/2 का स्क्वायर, और ये W1/2 का स्क्वायर, इसी प्रकार ये W2/2 तो है ही है। ठीक, T3 का मान निकालेंगे, कितना आएगा, T2 यहाँ पर क्या आता है, T2, लेकिन यहाँ पर घिरनी का भार भी हमको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, W3। तो T3 का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इस T2 दो जो है वैल्यू इसको हम इधर भेज देंगे, यानी T2 प्लस W3/2। T2 का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या करें, T2 का मान हम यहाँ पर रख दें। ठीक, T2 का मान ये इतना और ये प्लस स्मॉल W3, तो वही 2 को पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इधर गुणा है इधर आएगा भाग होगा, यानी कितना हो जाएगा, कैपिटल W/2³ स्मॉल W1/2³ स्मॉल W2/2² W3/2। और क्या देख चुके हम कि P बराबर T3 है, यानी ये T3 जो वैल्यू है किसके बराबर है, P यानी जो प्रयास हम लगा रहे हैं, एफर्ट के बराबर है, यानी इसी को हम P भी लिख सकते हैं। अब यदि घिरनियों की संख्या जो चल घिरनियाँ हो n है, तो यानी P/Tn भी लिख सकते हैं, यानी जैसा कि यहाँ पर था, ऊपर देखें ध्यान से, तो इसमें क्या है कि यदि यहाँ पर 3 है, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और आगे एक एक कम होते चला गया है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर n रहेगा तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर n, और यहाँ क्या हो जाएगा, n-1, n-2, n-3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ अगर जो चल घिरनियों की संख्या हम n मान लें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Tn, यानी अंतिम रस्सी में तनाव के बराबर, तो यानी कि W/ क्या हो जाएगा, 2^n स्मॉल W1/2^n स्मॉल W2/2^n-1 स्मॉल W3/2^n-2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, यदि n चल घिरनियाँ हैं तो स्मॉल अंतिम चल घिरनी का भार कितना हो जाएगा, W(n) बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, 2^n से गुणा कर दें। 2^n से जब गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखें कि इसके हर में 2^n है, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें 2^n का गुणा भी कर देंगे तो ये 2^n 2^n कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल W। ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्मॉल W1। यहाँ क्या है, 2^n-1 है, और गुणा किससे हम कर रहे हैं, 2^n से, ध्यान दें, 2^n
गुणे क्या है, 1/2 के पावर n-1। तो इस 2 के पावर n को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर n-1 गुणे में 2। तो ये 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1 कैंसिल, बचेगा क्या 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2W2। इसी प्रकार यहाँ पर इसको जब काट देंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 के पावर 2 × w3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जब 2 के पावर हम n से गुणा करेंगे तो ये 2 के पावर कितना, 1 मान सकते हैं। तो 2 के पावर n इंटू में ये ऊपर जाएगा 2 के पावर -1, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा, 2 के पावर n-1 × w n। ठीक, अब यदि मान लें कि जो घिरनियों का भार w1 w2 w3 हम लोग माने थे वो यदि सेम है यानी बराबर है, जिसको हम स्मॉल डब्लू मान रहे हैं, तो यानी जहाँ पर w1 w2 w3 है सब जगह हम क्या लिख देंगे, केवल और केवल स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। ठीक, बाकी सब कुछ वही, स्मॉल डब्लू सब जगह है कॉमन ले लें, कैपिटल डब्लू तो वैसे रहने दें। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2 का स्क्वायर, आगे 2 का क्यूब, ऐसे बचेगा 1 बचा 2, 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे 2 के पावर n-1 तक। ठीक, ध्यान से देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, a कोष्टक में r के पावर n-1 बटे में क्या होता है, r-1, जहाँ a क्या होता है प्रथम पद, r सार्वानुपात n पदों की संख्या। ध्यान से देखें तो इसमें प्रथम पद क्या है, 1, प्रथम पद 1, सार्वानुपात क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद से भाग दें यानी 1, या तीसरे को दूसरे से भाग दें 2 का स्क्वायर बाय 2, दोनों बराबर आएंगे, ये भी 2 आएगा ये भी 2, यानी कि r का मान सार्वानुपात r का मान कितना आएगा 2, ये 2 का आ गया, a का भी मान पता चल गया 1, r का मान पता चल गया 2। अब हमको निकालना है n यानी पदों की संख्या। ध्यान से देखें कि यहाँ 2 के पावर 1 मान सकते हैं, तो 2 के पावर 1 से शुरू हो करके कहाँ तक पहुँच रहा है, n-1 तक, और एक पद ये पहले यहाँ पर है, यानी कि 2 के पावर को केवल देखें तो कितना जा रहा है, n-1 पद, लेकिन एक पहले से यहाँ पर है तो ये कितना हो गया +1, यानी कितने पद हुए, n पद, यानी इस श्रेणी में कितने पद आए, n पद। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, n पदों का योग, a का मान कितना है 1, कोष्टक में r का मान 2 निकाले, पावर n-1 / r-1। तो ये 2 - 1, 1/1 का कोई मतलब नहीं, यानी ऊपर क्या बचेगा, 2 के पावर n-1, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, स्मॉल डब्लू इंटू 2 के पावर n-1। अब हमको निकालना है कैपिटल P का मान, तो 2 के पावर n को ट्रांसफ़र कर दें, इधर गुणा इधर आएगा भाग, यानी कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू में 2 के पावर n-1 / 2 के पावर n-1 / 2 के पावर, ये निकल गया कैपिटल P का मान। ठीक, अब हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो W/P होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कैपिटल W/P। W को ऐसे रहने दें, P का मान निकाल चुके हैं, कैपिटल W प्लस स्मॉल W कोष्टक में 2 के पावर n-1 / 2 के पावर n, ये उल्टा करके ऊपर गुणा कर दें, यानी W गुणे में क्या हो जाएगा, 2 के पावर n बटे में W प्लस स्मॉल W कोष्टक में 2 के पावर n-1। ठीक, ये निकल जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि जो स्मॉल डब्लू उसको हम नगण्य मान लें, यानी कि जो घिरनियों का भार स्मॉल डब्लू उसको अगर नगण्य मान लेते हैं तो, यानी कि स्मॉल डब्लू बराबर क्या रख दें, 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, क्या हो जाएगा, कैपिटल W इंटू में 2 के पावर n / कैपिटल W प्लस 0 × 2 के पावर n-1, ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0, यानी बचेगा क्या, W × 2 के पावर n / W, W से W कैंसिल, बचेगा क्या, 2 के पावर n। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2 के पावर n। ठीक, अब हमको आदर्श मशीन के लिए अगर देखना है तो आदर्श मशीन के लिए
जो इफिशेंसी होती है वो एक होती है, तो यहाँ से बिलास्टिक रेशियो हम निकाल लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज अपान इफिशेंसी यानी नीटा। नीटा का मान एक होता है आदर्श मशीन के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं 2 के पावर n, तो बिलास्टिक रेशियो क्या हो जाएगा 2 के पावर n। ठीक, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बिलास्टिक रेशियो दोनों क्या होंगे 2 के पावर n। ठीक, आगे देखें घिरनियों का द्वितीय निकाय। घिरनियों का द्वितीय निकाय देखते हैं किस टाइप का रहता है, ये देखें। इसमें सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है, इसमें केवल और केवल एक ही रस्सी प्रयोग की जाती, उसी को एक दूसरी घिरनी के ऊपर बार बार लपेटा जाता है। इसमें जितना घिरनियाँ होती हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी ब्लॉक और दूसरा निचली ब्लॉक। जो ऊपर का ब्लॉक होता है उसको ऊपर एक दृढ़ आधार से फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए ऊपरी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, अचल ब्लॉक भी बोलते हैं, यानी कि ये फिक्स रहता है। और जो नीचे वाला ब्लॉक है ये ऊपर नीचे गति कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चल ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक, इसमें जो निचले ब्लॉक में घिरनियों की संख्या होती है वो या तो ऊपरी वाले ब्लॉक के घिरनियों की संख्या के बराबर होगा या उससे एक कम, यानी उससे अधिक, यानी ऊपरी वाली पुली ब्लॉक से घिरनियों की संख्या निचले वाले पुली ब्लॉक में अधिक नहीं हो सकती। सदैव या तो ऊपरी वाले पुली ब्लॉक से बराबर रहेगा या तो उससे एक कम रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखें, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें ऊपर पुली ब्लॉक में कितनी संख्याएं हैं घिरनियों की, 3, जबकि नीचे कितना है 2। यहाँ पर ऊपर 3 और नीचे भी 3, यानी बराबर भी हो सकती हैं और नीचे एक घिरनी कम भी हो सकती है, अर्थात घिरनियों की टोटल संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना है टोटल 6, और यहाँ पर टोटल कितना है 5, यानी कि सम भी हो सकती है विषम भी। ध्यान से देखें इसमें, यदि घिरनियों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, यानी कि जितनी घिरनी ऊपर पुली ब्लॉक में उतनी ही घिरनी नीचे, तब क्या करते हैं, जो रस्सी हम बांधते हैं वो ऊपर वाले पुली ब्लॉक से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किए बांधे, अब इस घिरनी से होते हुए लपेट करके ऊपर ले करके जाएंगे और ये इस घिरनी के ऊपर से होते हुए नीचे आएगा, फिर यहाँ से इस वाली घिरनी से लपेटते हुए ऊपर ले करके जाएंगे, इस घिरनी से लपेटेंगे, फिर यहाँ से नीचे ले करके आते हुए उसके बाद इससे लपेटते हुए सबसे ऊपर वाली घिरनी से लपेट करके नीचे इधर लटका देते हैं जहाँ पर प्रयास भी लगाते हैं। ठीक, और यदि नीचे घिरनियों की संख्या कम है, यानी निचले ब्लॉक में घिरनियों की संख्या कम है, तो क्या करेंगे, जो रस्सी की शुरुआत होगी हम निचले वाले घिरनी बांधेंगे, पहले इसमें हम ब्लॉक में बांध करके ऊपर वाली घिरनी से लपेटते हुए इधर से ऐसे लपेटते लपेटते एकदम ऊपर वाली घिरनी से पास कराते हुए नीचे इसको लटका देंगे जहाँ से प्रयास भी लगाया जाएगा। ठीक, और चूंकि इसमें सब रस्सी एक ही है इसलिए हर एक जगह तनाव का मान समान ही रहेगा, मान लीजिए जो तनाव है वो टी, यानी टी यहाँ पर भी रहेगा, इसमें भी हर एक रस्सी में तनाव यहाँ पर टी ही रहेगा चाहे जहाँ देखें। ठीक, तो यहाँ देखें कि प्रयास पी लगा रहे हैं हम और इस रस्सी में तनाव कितना है टी, तो संतुलन की अवस्था में देखें तो पी बराबर क्या हो जाएगा टी, क्यों, प्रयास पी नीचे लगेगा और तनाव टी ऊपर लगेगा, यानी ऊपर का बल बराबर नीचे का बल संतुलन की अवस्था में, तो पी बराबर टी या टी बराबर पी हम लिख सकते हैं। ठीक, और देखें कि अब भार को संतुलन में लेकर के आए, तो भार ये क्या है कैपिटल डब्ल्यू नीचे की ओर, अब देखें कि इस पर ब्लॉक पर जो ये ब्लॉक है निचले वाले पुली ब्लॉक यानी चल ब्लॉक पर ही भार को लटकाया जाता है, तो इस पर टोटल नीचे की तरफ कितना भार लग रहा है कैपिटल डब्ल्यू, ऊपर की तरफ ध्यान से देखें कितना भार लग रहा है, देखें एक इस वाले रस्सी में तनाव इधर टी और एक ये बीच में तनाव टी और एक इसमें तनाव टी,
ठीक इसी प्रकार इधर देखें, एक इसमें तनावटी, उसके बगल तनावटी और इसके बगल तनावटी, यानी तीन इधर हैं तीन इधर। ध्यान से देखें तो तीन इधर रस्सियाँ आ रही हैं, तीन इधर लाइनें आ रही हैं, यानी कि तीन टी इधर होगा और तीन टी इधर होगा। ये टोटल किधर लगेंगी? ऊपर की तरफ, यानी कितना हुआ? 6 टी। तो ये किसके बराबर होगा? निचले वाले बल के, यानी जितना ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, यानी नीचे का बल केवल कैपिटल W लग रहा है। तो यानी 6 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल W। इसी प्रकार जहाँ 6 क्या है? टोटल घिरनियों की संख्या भी है, देखें तीन ऊपर तीन नीचे, यानी कि 6 जितनी घिरनियाँ हों गुणे टी बराबर कितना होगा? W। यदि इसी प्रकार एन घिरनियाँ हों, टोटल यदि इस सिस्टम में एन घिरनियाँ प्रयोग की जाएँ, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एन टी बराबर कैपिटल W। कब? जब इस निचले वाले जो पुली ब्लॉक है उसका भार हम नगण्य मान लें तो, और यदि इसके भार को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी निचले वाले पुली ब्लॉक का मान लीजिए स्मॉल W है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? कैपिटल W प्लस में स्मॉल W भी लिख देंगे। ठीक, यानी एन टी बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल W, जहाँ एन क्या है? कुल घिरनियों की संख्या, यानी चल अचल सब कुछ मिला करके कुल घिरनियों की संख्या क्या आती है? एन। ठीक, आगे देखें संतुलन की अवस्था में, जैसा कि अभी देखें कुल घिरनियों की संख्या मान लीजिए एन है, तो क्या हो जाएगा? एन टी बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल W, जहाँ स्मॉल W क्या है? निचले वाले पुली ब्लॉक का भार है। ठीक, यहाँ से टी का मान निकाला जाए तो एन को 75 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल W प्लस स्मॉल W अपान में एन, और टी बराबर क्या देखें हम लोग? पी है, तो यानी इस टी के स्थान पे हम पी भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? पी बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल W बटे में एन। अब मैकेनिकल एडवांटेज, या ए का मान निकालना चाहें यानी आंतरिक लाभ, क्या हो जाएगा? कैपिटल W अपान पी। W वैसे रहने दे, P का मान निकाल चुके हैं, कैपिटल W प्लस स्मॉल W अपान में N, इसको उलट के गुणा कर सकते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा? कैपिटल W इंटू N अपान में कैपिटल W प्लस स्मॉल W, ये निकल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज का मान। अब हमको यदि वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो इसके लिए क्या करें? मान लीजिए कि मशीन आदर्श है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन इफिशेंसी, यानी नीटा। नीटा का मान कितना लेंगे आदर्श मशीन के लिए? 1। मैकेनिकल एडवांटेज का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, यानी यहाँ से देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो के, जो कि हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, कैपिटल W इंटू एन अपान में कैपिटल W प्लस स्मॉल W। अब यदि मान लें कि जो जो निचला पुली ब्लॉक है जिसका भार हम स्मॉल W माने थे, अगर यदि स्मॉल W का भार यानी स्मॉल W का मान नगण्य हो, तो क्या करेंगे? जहाँ पर स्मॉल W है वहीं पर क्या लिख देंगे? शून्य। ये शून्य हो गया। अब क्या होगा? ये कैपिटल W, ये कैपिटल W कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? N। यानी वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज बोले बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल N, जहाँ N क्या है? घिरनियों की कुल संख्या, यानी उस सिस्टम में द्वितीय निकाय में पुली की जितनी संख्या है उसका मान जितना होगा वही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो। ठीक, यानी वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर घिरनियों की कुल संख्या। यानी प्रथम में देखें तो प्रथम में वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फार्मूला निकल करके आया था? 2 के पावर n, जहाँ n क्या था? चल घिरनियों की संख्या। और द्वितीय में, घिरनियों के द्वितीय निकाय में क्या निकल करके आया? वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एन, जहाँ एन क्या है? कुल घिरनियों की संख्या। घिरनियों का तृतीय निकाय देखें, ये जस्ट जो पहला है घिरनियों का प्रथम निकाय, उसी का जस्ट उल्टा होता है। ध्यान से देखें तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा उल्टा, देखें।
इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज राड होती है जिस पर डब्लू भार जो हमको उठाना है उसको लटका दिया जाता है। ठीक, अब क्या किया जाता है, इसमें एक गिरनी जो फिक्स होती है उसको हम किसी दृढ़ आधार से फिक्स कर देते हैं। अब इसमें से एक रस्सी जो लिपटी रहती है उसका एक सिरा इस क्षैतिज राड से और दूसरा सिरा उसके निचली वाले गिरनी के केंद्र से जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी रस्सी है वो क्या है, उस गिरनी से होते हुए निचले वाले उसके जस्ट निचले वाले गिरनी के केंद्र से बंधा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये भी उसके निचले वाले गिरनी के केंद्र से बंधा हुआ है। और जो अंतिम रस्सी होती है वो सबसे निचले वाले गिरनी से होते हुए कहाँ पर जाती है, ये लटकती रहती है जिस पर हम प्रयास भी लगाते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें संतुलन का प्रतिबंध इस पर भी लगाएं तो ये T1 यहाँ पर लग रहा है ऊपर की तरफ और ये P यहाँ पर लग रहा है, यानी कि P बराबर हम क्या लिखते हैं, T1 के। ठीक, और इधर देखें दूसरे में यहाँ पर इसका अगर जो संतुलन हमको लगाना हो तो क्या लिखें, ध्यान से देखें कि ऊपर कितना बल लग रहा है T2 और नीचे कितना लग रहा है, यहाँ पर T1 यहाँ पर T1। ठीक, चूंकि रस्सी ये सेम ही है, ये रस्सी वही है, सेम है, तो जो तनाव यहाँ पर होगा वही तनाव यहाँ पर होगा, ये तनाव नीचे की तरफ काम करेगा और ये तनाव ऊपर की तरफ काम करेगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2T1 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें T3 बराबर हो जाएगा T2 धन T2 यानी 2T2 के। इसी प्रकार T4 कितने हो जाएगा, T3 धन T3 यानी 2T3 के। ठीक, एक चीज़ इसमें ध्यान से देखें तो जितनी चल घिरनी है, सॉरी जितनी घिरनियाँ हैं टोटल घिरनियों की संख्या जितनी है उतनी ही इसमें रस्सियों की भी संख्या है। देखें कुल घिरनियाँ कितनी है, 1 2 3 4। ठीक, रस्सियों की संख्या 1 2 3 4, जितनी घिरनियाँ उतनी ही रस्सी। इसमें ऐसा नहीं है कि जितनी चल घिरनियाँ उतना ही रस्सियाँ, नहीं, जितनी कुल घिरनियाँ यानी चल अचल मिला करके उतनी ही रस्सियों की भी संख्या होती है। ठीक, जबकि प्रथम निकाय में क्या था कि जितनी चल घिरनियों की संख्या होती है उतना ही रस्सियों की संख्या होती है। अब इसमें संतुलन का प्रतिबंध लगा दें तो क्या, अभी देखें T1 इक्वल टू क्या है, P के बराबर है। ठीक, अब T2 बराबर T2 T1। अब यदि पहले गिरनी का भार भी हम मान लें स्मॉल W1 तो इसी में क्या जोड़ देंगे, स्मॉल W1 T1 बराबर निकाले हुए हैं क्या है, P के बराबर, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2P+W1। ध्यान से एक बार और देख लें, देखें मान लीजिए जो पहली घिरनी है हमारी, ये पहली घिरनी इसका भार स्मॉल W1 मान लेते हैं तो काम किधर करेगा, भार कोई भी हो नीचे की तरफ कार्य करेगा यानी स्मॉल W1 नीचे की तरफ। ठीक, अब इस पुली का संतुलन में हम देखें तो नीचे की तरफ ये T1, जो रस्सी में तनाव होता है वो दोनों तरफ माना जाता है, यानी इसको ऐसे दर्शाते हैं इस टाइप का। ठीक, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, जैसे ये इधर P खींचेगा नीचे की तरफ तो इसकी वजह से जो तनाव होगा प्रतिक्रिया बल वो ऊपर की तरफ, और इधर ये रस्सी जो खींच रहा होगा इधर तो उसकी वजह से इधर तनाव होगा, यानी इसलिए इस तनाव T को दोनों दिशा में हम रलो रस्सी पर दर्शाते हैं। तो ये ऊपर लग रहा होगा T2 तो इसी पर नीचे की तरफ भार कितना लग रहा है, इधर T1 इधर T1 यानी कितना होगा, 2T1 नीचे की तरफ, और इस पुली का भार स्मॉल W1 भी नीचे की तरफ लगेगा, यानी टोटल नीचे की तरफ बल कितना हुआ, T1 धन T1 धन स्मॉल W यानी 2T1+स्मॉल W1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर का बल कितना है, T2 के। यानी कि T2 बराबर 2T1+W1, T1 का मान P के बराबर है तो यानी कि T2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2P+स्मॉल W1। ठीक,
इसी प्रकार T3 को लिखें तो क्या हो जाएगा, 2T2 प्लस स्मॉल W2। अब T2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, रख दें मान 2P प्लस स्मॉल W1 प्लस W2, अंदर 2 का गुणा करा दे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर धन 2 स्मॉल W1 धन W2। T4 का मान इसी प्रकार 2T3 प्लस स्मॉल W3, T3 का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, रख दें मान, ये हो गया T3 का मान प्लस W3, 2 का अंदर गुणा करा दें, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं, जो इससे हो वैसे ही रहेगा। ठीक, अब टोटल भार देखें तो भार टोटल कितना है, कैपिटल W जो कि क्षैतिज रॉड पर लगा हुआ था वो नीचे की तरफ, जबकि सारी रस्सियों में तनाव T1 T2 T3 T4 ऊपर की तरफ, यानी कि कैपिटल W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T1 धन T2 धन T3 धन T4, यानी कैपिटल W, और T1 T2 T3 और T4 का मान निकाल चुके हैं हम लोग, तो उसी सब मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, ये हमारा T1 का मान, ये T1 का मान हो गया, ये T2 का मान, T3 का मान और ये T4 का मान। यहाँ पर देखें P2P 2 स्क्वायर P 2 क्यूब P सबको एक साथ ले लें तो P कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पर देखें W1, यहाँ 2W1 2 स्क्वायर W1, W1 सब जगह है, कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा यहाँ पर 1 2 और यहाँ 2 स्क्वायर, 1 धन 2 धन 2 स्क्वायर धन। इसी प्रकार यहाँ पर देखें ये W2 यहाँ पर है और यहाँ क्या है 2W2, तो क्या W2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2 धन 1 या 1 धन 2 लिखें क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ पर 2 बचा है। अब अंत में केवल क्या बचा है W3। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक, जिसका सर्वानुपात यानी R का मान कितना होगा, 2/1 यानी कि 2, और प्रथम पद 1 हो जाएगा, तो इसका योग कितना होगा, ए कोष्टक में R-1, तो ए का मान 1, R का मान 2 पावर n, n का मान कितना है 4, -1/2 R-1 यानी 2-1, कितना हो जाएगा 2-1 1 और 2 के पावर 4-1 ये बचेगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4-1। ठीक, इसी प्रकार ऐसे पदों की संख्या कितनी है, 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3-1। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2-1। ऐसे W3, W3 में पदों की संख्या कितनी है, 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1-1 प्लस W3। ठीक, अब मान लें कि घिरनियों की संख्या कुल कितना है, n है, ध्यान दें ऊपर कितना था, घिरनियाँ कितनी आई थी 4, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे घटते जा रहा है। अब यदि कुल घिरनियों की संख्या n हो गई तो चल घिरनियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कम होगी क्योंकि 1 अचल घिरनी होती है, बाकी सब चल घिरनियाँ, यदि कुल घिरनियों की संख्या n है तो चल घिरनियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 यानी कुल घिरनियों में से 1 कम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर 4 वहीं पर क्या रख देंगे, n, क्यों, क्योंकि घिरनियों की संख्या हम कितना मान लिए हैं, टोटल n, तो क्या हो जाएगा P कोष्टक में 2 के पावर n, यहाँ पर क्या है 1 कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 कम, 2 के पावर n-1, यहाँ पर 2 के पावर n-2 प्लस W3, यहाँ पर भी 1 कम कर देंगे यानी 2 के पावर n-3-1 प्लस डॉट डॉट। ध्यान दें घिरनियों की संख्या कुल कितनी माने हैं n, तो चल घिरनियों की संख्या कितनी होगी n-1, यानी कि चल घिरनियों की भारों की संख्या कितनी होगी n-1, तो यानी अंतिम भार क्या होगा हमारा, W n-1। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1-1, जैसा कि यहाँ पर ऊपर देखे हुए हैं कि अंतिम में क्या था, घटते घटते जो ऊपर अंतिम था 2 के पावर 1-1,
तो ऐसे अगर जो यन घिरनिया हो जा रही है तो यहाँ पर भी अंत में क्या आ जाएगा, 2^1 - 1। अब यदि मान लें कि जो W1, W2, W3 हैं इन सब का मान समान है, अर्थात इसको हम मान लेते हैं स्मॉल W, ठीक। तो फिर क्या आएगा, जहाँ जहाँ W1, W2, W3 है सब के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, W, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखें P ये तो वैसे ही रहेगा, जहाँ W1 था W रख दिए, W2 के स्थान पे भी W, यहाँ पर भी W, अंत में सब जगह W रख दिए, ठीक। यहाँ से W W सब जगह है, कॉमन निकाल लें, बाहर कर लिए, यहाँ क्या बचेगा, 2^(n-1) - 1, ठीक। यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ये, ठीक। अब 2^(n-1), 2^(n-2), 2^(n-3) सबको एक साथ हम लिख लें, यानी पहले पहले पद को एक साथ लिख लें, तो क्या बचेगा, 2^(n-1), 2^(n-2), 2^(n-3), ऐसे ऐसे अंतिम में क्या बचेगा, 2, ठीक। इसको हम एक कोष्टक में लिख लिए, बचा क्या, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे सब। ये कितनी संख्या होगी, n-1 संख्या होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे चल घिरनियों की संख्या कितनी होगी, n-1, क्योंकि हम माने हैं कि कुल घिरनियों की संख्या n है, तो चल घिरनियों की संख्या n-1, तो चल भारों की संख्या भी कितना होगा, n-1। तो W कहाँ तक जा रहा था, n-1 तक, यानी अंत में ये कितना होगा, इसमें पदों की संख्या टोटल n-1 होगा। तो अब यदि एक 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 को हम 4 बार जोड़ें तो 4 आता है, इसी प्रकार यदि एक 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 को हम एन बार जोड़ें तो एन आएगा, और यदि एक 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 को n-1 बार जोड़ें तो कितना आएगा, n-1। तो -1 -1 -1 -1 सब जगह माइनस माइनस, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 - 1 - 1 - 1, कितने पदों तक, n-1 पदों तक, तो कितना आ जाएगा टोटल योग, n-1, आगे तो माइनस रहेगा ही, ठीक। यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -n-1। अब इस माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -n+1, तो +1 को हम अंदर यहाँ पर भेज दे रहे हैं कोष्टक के यहाँ, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम सब कुछ वही, +2, अब प्लस ये वाला एक यहाँ पर आ गया, ठीक, बचा केवल यहाँ पर -n। इसको भी ध्यान से देखें तो ये क्या है, इधर से देखते जाएं तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी एक बन रहा है, 1, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ऐसे ऐसे 2^(n-1), इसमें प्रथम पद 1, सार्वानुपात 2/1, कितना होगा, 2, यानी r का मान भी निकल गया, 2 है। अब हमको पदों की संख्या निकालना हो, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखें 2^1 से शुरुआत करें तो 1 से लेकर के कहाँ तक पहुँच रहा है, n-1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हो गए, n-1, और एक पद अभी एक ये छूट रहा है, कितना हो गए, n-1+1, कितने पद हुए टोटल, n पद, यानी इस श्रेणी में टोटल n पद है, यानी ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a यानी 1 r, r का मान 2^(n-1)/2 -1, घटा देंगे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2^(n-1), तो इसी को हम यहाँ पर लिख दिए, 2^(n-1), माइनस में n, ठीक, आगे तो स्मॉल W है, यानी कि अब ये क्या निकल गया, हमारा भार W का मान कितना आया, P कोष्टक में 2^(n-1) प्लस स्मॉल W 2^(n-1) - n, ठीक। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, W/P, W का मान हम निकाल चुके हैं, ये हम W का मान रख दिए ऊपर, बटे में P। अब ये आइडल मशीन है तो उसके लिए इफिशेंसी यानी नीटा का मान 1 होगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा, वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपान नीटा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, नीटा का मान 1 है, तो यानी कि वेलोसिटी रेशियो बराबर है मैकेनिकल एडवांटेज के, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर निकल आ गया है, जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, ठीक। अब यदि जो घिरनियों का भार हम लोग माने थे
उसको हम नगण्य मान लें, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू को हम नगण्य मान लें, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ स्मॉल डब्ल्यू वहीं पर हम क्या लिख दें, जीरो। ध्यान से देखें, यहाँ पर हमको क्या रख देना है, जीरो। तो जीरो गुणे ये क्या हो गया, जीरो। बचेगा क्या, पी कोष्टक में 2 के पावर एन माइनस 1/p, ये सब तो जीरो हो गया, तो ये पी इस पी से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 के पावर n-1, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, और वो बराबर किसके, मैकेनिकल एडवांटेज, कितना है, 2 के पावर n-1, जहाँ n क्या है, कुल घिरनियों की संख्या, यानी निकाय में कुल घिरनियों की संख्या, तो यानी वेलोसिटी रेशियो 2 के पावर n-1। ठीक, इस प्रकार हम लोग घिरनियों के तीनों निकाय को पढ़ चुके हैं। पहले में क्या फार्मूला आया था वेलोसिटी रेशियो का, 2 के पावर n, जहाँ n क्या था, चल घिरनियों की संख्या। दूसरे सिस्टम में क्या आया, n, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला n, जहाँ n क्या था, कुल घिरनियों की संख्या। तीसरे में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला 2 के पावर n-1, जहाँ n क्या है, कुल घिरनियों की संख्या। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक, वंदे मातरम।